तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट संपन्न होने के बाद बड़ी खबर है कि अचानक से बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है और AIMM पार्टी जो है उसका समर्थन किसे मिला है, शिवसेना NCP कांग्रेस के लिए कितने विधायकों का यहां पर समर्थन मिला है, किसके पक्ष में कितने विधायक हैं, क्योंकि BJP ने भी दावा किया था कि 170 विधायक हैं और NCP कांग्रेस शिवसेना ने भी यहां पर दावा किया था 170 के लिए, तो यहां पर पक्ष में 169 बहुमत पार कर चुके हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर कह सकते हैं कि 169 का आंकड़ा प्राप्त कर चुके हैं उद्धव ठाकरे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर NCP कांग्रेस और शिवसेना के अपने 154 विधायक और अन्य के 15 विधायक का भी समर्थन यहाँ पर मिला है। कुल मिलाकर 29 अन्य जो विधायक हैं उनमें से 10 विधायक BJP के साथ है, तो 4 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में BJP के अपने 105 और 10 निर्दलियों के साथ BJP 115 पर पहुंच जाती है, लेकिन BJP का दावा था 170, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार बन चुकी है और एक मजबूत सरकार यहां पर बन चुकी है। AIMI जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ रहती आई है। इसके अलावा MNS जो पार्टी उसने भी यहां पर समर्थन नहीं दिया है, कह सकते हैं उद्धव ठाकरे को, और CPM पार्टी है उसने भी समर्थन नहीं दिया है। तो 4 सीटों के विधायकों ने किसी को समर्थन नहीं दिया है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने इस सदन का बहिष्कार किया। उन्होंने साफ कहा कि वंदे मातरम यहाँ पर नहीं गाया गया, वंदे मातरम इससे पहले होता आया है और बिना स्पीकर के चुनाव से पहले ये फ्लोर टेस्ट किया गया है, इसलिए उन्होंने जो है सदन का बहिष्कार किया और अपने विधायकों के साथ वो चले गए। फ्लोर टेस्ट में वो सम्मिलित नहीं रहे, इसलिए विपक्ष और यहां पर कह सकते हैं कि पक्ष में निर्णय नहीं बल्कि एक तरफा यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में ही यहाँ पर जो है सारा का सारा जो बहुमत यहाँ पर चला गया। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो कि महाराष्ट्र को लेकर अभी अभी निकल कर आ रही है। फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे 169 का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि AIMI पार्टी जो है उसने समर्थन यहाँ पर नहीं किया है उद्धव ठाकरे के लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में कितनी मजबूत ये सरकार रहेगी, ये आंकड़ों से ही पता लगाया जा सकता है। फिर भी आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली जानकारी की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।